जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है। आपको दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस और इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। जिन भी साथियों को पढ़ना है TGT PGT पंजाब मास्टर कैडर दोस्तों LT ग्रेड RPSC आदि के लिए हिंदी साहित्य को बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो अभी ऑफर है हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों मात्र 1200 रुपये में, ठीक है। पंजाब मास्टर कैडर वाले हमारे जितने भी साथी हैं दोस्तों, जिनको भी मॉडल पेपर परचेस करना है, 150 नंबर का एक 150 प्रश्नों का एक मॉडल पेपर रहेगा। ऐसे करके इसमें 30 मॉडल पेपर रहेंगे और कुल मिला के 4500 क्वेश्चन रहेंगे। 599 का कोर्स है, इसमें आप आज ही एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और जो भी TGT PGT वाले हमारे साथी हैं, LT ग्रेड वाले, मास्टर कैडर वाले, KBS LT ग्रेड और DSSB वाले साथी हैं, और हिंदी साहित्य आपको बहुत अच्छे से विस्तृत पढ़ना है, ट्रिकी तरीके से पढ़ना है, तो 1500 में 12 महीने का कोर्स लॉन्च किया गया दोस्तों। 1500 में 12 महीने का जो लॉन्च है, अभी होली ऑफर है 20 तारीख तक, तो 1200 में 12 महीने, 1200 में 12 महीने आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और जिन भी साथियों को दोस्तों नोट्स परचेस करना है, नोट्स परचेस करना हिंदी गद्य का विकास, मतलब ये दो पार्ट में है, ये हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, हिंदी साहित्य, इतिहास, लेखन के स्रोत, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतीय, ये पूरा का पूरा दोस्तों इस प्रकार से बनाया गया है, ठीक है। ये पार्ट फर्स्ट में पूरा आपका है, ये पार्ट सेकंड में आपका है, हिंदी गद्य का विकास, नाटक, कहानी, उपन्यास, ठीक है, और ये पत्र पत्रिकाओं, प्रमुख कथन, तो कुल मिला के 35 चैप्टर इसमें है। साथ ही दोस्तों ये पूरा मतलब जो है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो ट्रिक है, इसमें बीच बीच में आपको ट्रिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है, ठीक है। जहां जैसी ट्रिक निकलती गई है कवियों की दोस्तों और जिस भी प्रकार की रचनाओं की, वो ट्रिक भी आपको इसमें एडजस्ट की गई है, इसमें आपको इन नोट्सों में मिलेंगी। तो जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है अपने घर पर, उनको 2100 रुपये पे करना है दोस्तों। किस नंबर पर? 9098660929। नीचे चल रहा है उस नंबर पे आप फोन पे कर सकते हो 2100 रुपये। व्हाट्सएप पर दोस्तों आप स्क्रीनशॉट, नाम, नंबर और पूरा पता भेज सकते हो, ठीक है, ताकि आपको पोस्ट के माध्यम से ये नोट्स आपके घर तक पहुंचा सके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का ये सेशन। आज का आपका पहला प्रश्न है कि महापंडित राहुल सांकृत्याय ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है, हिंदी का पहला कवि माना तो किस कवि को माना है। एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सभी लोग बताएंगे और एक बार जल्दी से लाइक भी कर दो, लाइक कर दो। ये रोज क्लास होती है दोस्तों रात्रि 9 बजे, ठीक है। इस क्लास में आपको बढ़िया बढ़िया फैक्टों को, बढ़िया बढ़िया प्रश्नों को यहां पर तैयार करवाया जाता है। अब ये पहला प्रश्न आपके सामने है, आपको चयन करना है कि राहुल सांकृत्याय ने किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया और आपको पता ही है कि सर राहुल सांकृत्याय ने जो माना है वो माना है किसको? सरहपाद को, यानी कि आपका जो सरहपा है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। बी नंबर सरहपा, जो कि सिद्धों में प्रथम सिद्ध माने जाते हैं सरहपा, और सिद्धों की संख्या मानी जाती है दोस्तों 84, ठीक है, और सरहपा को अपन को याद रख लेना है। उसके बाद यहां पर दोस्तों संदेशण सबित्रऊ पई मई कहड़ू न जाई, जे कालांगुली मुदणऊ सो बाहिणी समाई, ये पंक्तियों के रचनाकार कौन है, ठीक है। इन पंक्तियों के रचनाकार आपको बताना है, विमल सूरी है, अध्यमान है, दामोदर भट्ट है, या फिर हेमचंद्र है। तो किन भी साथ के कौन से साथी हैं दोस्तों ऐसे जिनको भी नोट्स मंगवाना है, वो सभी साथी जिनको नोट्स मंगवाना है, ठीक है। तो यहां पर संदेश रहू सबित रहू पई मई कहड़ू ना जाई, ये पंक्ति बताना है, ये पंक्ति किस रचनाकार की है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये जो पंक्ति मानी जाती है, ये पंक्ति मानी जाती है दोस्तों, ये जो पंक्ति ली गई है वो संदेश राशक से, संदेश रहू है ना, संदेश राशक से पंक्ति ली गई है, संदेश राशक से। और संदेश राशक के जो रचनाकार हैं वो कौन है? संदेश राशक के शंकरलाल सी नहीं, यहां पर बी नंबर होगा। संदेश राशक एक रचना है जिसे आदिकाल का मेघदूत कहा जाता है, और वो किसके? अध्यमान या फिर अब्दुल रहमान, ठीक है। तो यहां पर आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, ये कथन किसका है? 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान
बोल चाल की भाषा की ओर अधिक था, ये कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का। जल्दी से बताइए उत्तर, फटाफटा से बताना है। 2100 रुपए पे करना है अमित कनौजिया जी। बताइए कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, किसका ध्यान? मिश्र बंधु का ध्यान, मिश्र बंधु, ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 3 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोगों को बताना है दोस्तों। बताइए 3 नंबर का क्वेश्चन, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया कि सर ये जो प्रश्न है, ये जो कथन है, ये कथन माना जाता है किसका? रामचंद्र शुक्ल का। यानी कि आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, ये कथन है किसका? रामचंद्र शुक्ल का। यानी आपका उत्तर डी नंबर चला गया। ठीक है, ग्रंथों में ऐसे किसके रचयिता तुलसीदास नहीं है? तुलसीदास किसके नहीं है बताओ? वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, समुच्चय सॉरी हनुमान चरित और पार्वती मंगल, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए 9098 वाला, शशि त्रिपाठी जी 9098 वाला, 9098, 609291। ठीक है, इस वाले नंबर पर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, 9098 वाला, 609291। ग्रंथों में से किसके रचयिता तुलसीदास नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो यहां पर वैराग्य संदीपनी तो आपका हो जाएगा, कृष्ण गीतावली आपका हो जाएगा, हनुमान चरित के नहीं है। ठीक है, तो हनुमान चरित के नहीं है, यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। सी नंबर, चौथे नंबर का आपका जो सी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हनुमान चरित, बाकी वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और पार्वती मंगल, ये तो आपके हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, ये किसका कथन है? जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, ये कथन किसका है? 5 नंबर का क्वेश्चन, श्याम मनोहर पांडे का, चंद्रवली सिंह का, विजय देव नारायण शाही का, या फिर रामचंद्र शुक्ल का? प्रदीप कुमार जी बताइए सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। राहुल जी, वीना जी, 5 नंबर का क्वेश्चन है, जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, ये कथन किसका है, ये बताइए उत्तर क्या हो जाएगा। बताइए गेमिंग बट जी, और 5 नंबर का क्वेश्चन, और 5वें उत्तर है आपका सी नंबर, यानी कि विजय देव नारायण शाही। ठीक है, ये कथन दोस्तों शाही जी का है, विजय देव नारायण शाही के। इन्होंने कहा था कि जायसी पहले कवि हैं, सूफी तो ये बाद में है। ठीक है, तो आपका उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा? संदीप विश्वकर्मा जी, विजय देव नारायण शाही हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जसोदा कहां कहो हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मोपे कहे नहीं जात, ये पंक्तियों के रचनाकार कौन माने जाते हैं बताओ? 6 नंबर का क्वेश्चन, सभी लोग बताएंगे, और सेल्फ स्टडी क्लासेस से ऐप डाउनलोड कर लें। अभी ऑफर चल रहा है दोस्तों हिंदी साहित्य में, 1200 में 12 महीने के लिए, 1200 में 12 महीने का एक कोर्स है हिंदी साहित्य का, लाइव क्लासों के माध्यम से आप पढ़ सकते हो, लाइव कोर्स है। ठीक है, रिकॉर्डेड भी रहता है लाइव कोर्स भी, लाइव क्लासे भी रहती है, ट्रिकी वीडियो, टॉपिक वाइज टेस्ट भी रहते हैं। ठीक है, आज का टेस्ट सभी लोगों ने दिया है कि नहीं? आज नाटक का टेस्ट हुआ था, नाटक का और प्रयोगवाद का टेस्ट हुआ था, सभी साथियों ने ये दोनों टेस्ट दिए हैं। जितने भी हमारे पेड मेंबर की नहीं दिए हैं, और किसके कितने नंबर आए हैं जरा बता दो। जसोदा कहां कहो हो बात, 6 नंबर का क्वेश्चन है, और आपका उत्तर है कि सर ये जो पंक्ति है ये चतुर्भुज दास की पंक्ति है। ठीक है, तो चतुर्भुज दास डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर कि आधार मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर रस कवित्य परिपक्वता जाने रसिक न और, ये पंक्ति किसकी है? उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? तो किस आचार्य ने किया है बताइए? दीपिका शुक्ला जी, 7 नंबर का क्वेश्चन है, और अधर मधुरता कठिनता कुछ ये चयन करना है 7 नंबर में, और 7 का जो उत्तर जा रहा है वो जा रहा है कि सर 7 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और उत्तर चला जाएगा आपका भिखारी दास। ठीक है, यानी आपका जो बी नंबर है ये आंसर बिल्कुल सही है, भिखारी दास आपका सही है। निम्न में से रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? 8 नंबर का क्वेश्चन, रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? स्वच्छंदता है,
सामाजिकता है, निर्व्यक्तता है या फिर ऐतिहासिकता है। आठ का क्वेश्चन है, कुमकुम जी, रमा जी, युवराज जी, अर्चना, निशा जी, प्रश्न क्रमांक 8 में सभी लोग एक बार लाइक कर दो और अपने मित्रों तक अनीता जी, अनिल तिवारी जी शेयर कर दो, पूजा देवी जी। रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी मानी जाती है ये बताना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मतलब अच्छे नंबर लाए हैं आप लोगों ने। लबडी जी, वेरी गुड। विश्वास जी, राहुल जी, तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है यहां पर कि रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है, आठ नंबर के क्वेश्चन में। पर आपने लगाया कि सर रीति मुक्त कविता की जो विशेषता मानी जाती है वो मानी जाती है स्वच्छंदता। ठीक है, स्वच्छंदता। दोस्तों जो अपने नोट्स हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक भी दी है, जैसे प्रयोग अपन ने तार सप्तक के कवियों की ट्रिक दी है, रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति काव्यधारा, इनकी ट्रिक दी है। तो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजों की ट्रिक भी आपको उसमें मिलने वाली है नोट्स में। तो जिनको मंगवाना है वो 2100 रुपए पे करके दोस्तों पोस्ट के माध्यम से नोट्स मंगवा सकते हैं। ठीक है, उसमें पूरा आपका हिंदी साहित्य रहेगा काव्य शास्त्र को छोड़ करके। एकांत संगीत किसकी रचना है, एकांत संगीत किसकी रचना है, श्रीधर पाठक की, हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल या फिर महादेवी वर्मा की, बताइए एकांत संगीत के रचनाकार कौन है। दोस्तों चार विकल्प हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर यहां पर देखते हैं क्या जा रहा है। एकांत संगीत एक किसकी रचना है, सृजन कुमार जी, अनुपम जी, कुमकुम जी और मंजू जी, दारसू जी, एकांत संगीत एक किसकी रचना है, 9 नंबर का क्वेश्चन। और आपका उत्तर चला गया कि सर एकांत संगीत के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है। हरिवंश राय बच्चन जिनका जन्म 1907 में हुआ था दोस्तों, इनकी रचना में मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश इनकी धार्मिक रचनाएं भी मानी जाती हैं। ठीक है, और इन्हें दोस्तों छई रोमांस का कवि कहा जाता है, हालाबाद का प्रवर्तक भी माना जाता है हरिवंश राय बच्चन को। इनको अपन को बहुत अच्छे से याद कर लेना है, हरिवंश राय बच्चन को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताना है दुखनी बाला नाटक के लेखक कौन है, दुखनी बाला नाटक के लेखक कौन है, 10 नंबर का क्वेश्चन। श्रीनिवास दास है, राधा कृष्ण दास है, किशोरीलाल गोस्वामी है या फिर प्रताप नारायण मिश्र हैं। दुखनी वाला नाटक इसके लेखक कौन माने जाते हैं, प्रमोद सैनी जी, बताइए। दुखनी वाला बहुत ही अच्छा ये नाटक है, दुखनी वाला, और 10 नंबर में आपका यहां पर उत्तर जा रहा है दुखनी वाला। मैंने आपको बताया था कि जो दुख और दुखनी वाला होता है वो कहां जाते हैं, और सर राधा कृष्ण के दास बन जाते हैं। ठीक है, दास बन जाते हैं, तो दुखनी वाला राधा कृष्ण दास, यानी आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है, राधा कृष्ण दास आपका राइट आंसर है। ठीक है, दुखनी वाला कहाँ पहुंच जाते, और सर दुखनी वाला जो भी होते वो राधा कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं। निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह है प्रेमचंद का नहीं है, प्रेमचंद का कौन सा नहीं है, प्रेम 25, प्रेम द्वादशी, मोहब्बत की राहें या फिर सप्त सरोज, कौन सा कहानी संग्रह है प्रेमचंद का नहीं है, 11 नंबर का क्वेश्चन है। और 11 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं माना जाता, बताइए। और एक बार जल्दी से लाइक करो, प्रेमचंद जी का कौन सा कहानी संग्रह नहीं है, बताएं। पुष्पा जी, शंकर लाल जी, 11 नंबर के क्वेश्चन में आपने उत्तर बताया कि सर प्रेम 25 ही है, प्रेम द्वादशी भी है, सप्त सरोज भी इनका कहानी संग्रह है, लेकिन ये मोहब्बत की राहें ये इनका कहानी संग्रह नहीं है प्रेमचंद जी का। यानी कि आपका जो उत्तर जा रहा है दोस्तों वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है आपका सी की तरफ जा रहा है, सी नंबर जो आपने बताया ये बिल्कुल सही आंसर है, सी नंबर सही है अनुपम जी, बिल्कुल भैरव प्रसाद गुप्त। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है, फणीश्वरनाथ रेणु का कौन सा नहीं है, बताओ। आदिम रात्रि की महक, अग्नि कोर, अच्छे आदमी या फिर गरीबी हटाओ, कौन सा कहानी संग्रह रेणु जी, रेणु जी के बारे में अपन देखते हैं कि सर फणीश्वरनाथ रेणु ये आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं, फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, और इन्होंने हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था मेला आंचल, और मेला आंचल आपको याद करना है। और जो फणीश्वरनाथ रेणु का पूछा गया कि इनका कहानी संग्रह कौन सा नहीं है 12 नंबर के क्वेश्चन में, और आपका उत्तर चला गया कि सर आदिम रात्रि की महक फणीश्वरनाथ रेणु का है, अग्निखोर ये भी है, अच्छे आदमी भी है, लेकिन गरीबी हटाओ
ये गरीबी हटाओ, ये दोस्तों रेणु जी का नहीं है, यानी कि आपका उत्तर डी जो आपने लगाया वो बिल्कुल सही है। डी नंबर सही है। मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? 13 नंबर का क्वेश्चन है, मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? निर्वासित, परक, त्याग पत्र या फिर अंतराल? मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है, ये 13 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। 13 नंबर का उत्तर आपको बताना है, किस उपन्यास की पात्र है मृणाल? बताइए पुष्पा मौर्य जी, अनीता जी, उपमा जी, मंजू जी, कमला जी, मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र हैं? 13 नंबर के क्वेश्चन में और उत्तर चला जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आया भी है, मृणाल किस उपन्यास की पात्र हैं? देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर बता रहा है। 13 नंबर में बताया है मंजू बाला ने सी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अनमोल यादव जी आपने भी सही बताया, सी यानी कि त्यागपत्र। त्यागपत्र की रचनाकार कौन है ये भी आपको बताना है, त्यागपत्र की रचनाकार कौन है, ये त्यागपत्र उपन्यास है किसका, ये भी बताइए जल्दी से। फिर अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर आते हैं दोस्तों, बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है? 14 नंबर का क्वेश्चन, बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है? आबा, सम्रांगण, अनित्य या फिर अंतरवसी? बताइए, पीएचडी एग्जाम निकल गई माया राम जी का, बहुत बढ़िया। तो बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है, ये 14 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है। और 14 नंबर के क्वेश्चन में आपने सही आंसर बताया कि सर बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित जो उपन्यास है वो कौन सा है, आबा। और आबा एक किसका उपन्यास है ये भी आपको बताना है 14 नंबर में। अपन ने कई बार मैंने आपको बताया और ये आबा उपन्यास पूछा भी जाता है, ठीक है, आबा उपन्यास किसका है तो ये भी आपको बताना है। बताइए ज्योति जीवन जी, गीता जी, बताओ नवकंबोज जी, कि बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन पर आधारित उपन्यास है आबा, आबा के रचनाकार कौन है? और बता दिया पूजा दीवी ने कि सर इसके रचनाकार है चित्रा मुद्गल, बिल्कुल सही आंसर। शिव शंभू की चिट्ठी के रचनाकार कौन है? 15 नंबर का क्वेश्चन, बाल मुकुंद गुप्त हैं, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह हैं या फिर बाल कृष्ण भट्ट हैं? बिल्कुल सही सुनीता जी, अनुपम जी, शिव शंभू की चिट्ठी इसके रचनाकार कौन है? 15 नंबर का क्वेश्चन, और ये शिव शंभू की चिट्ठी कई बार पूछा जाता है, शिव शंभू की चिट्ठी इसके रचनाकार कौन है, बाल मुकुंद गुप्त हैं क्या या श्याम सुंदर दास हैं? इन 15 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है। और जिन भी साथियों को दोस्तों नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के, पद्य साहित्य और गद्य साहित्य दोनों के, ठीक है, तो आप दोस्तों नीचे नंबर चल रहा है 9098609291 वाला, उसमें 2100 रुपये आप फोन पे कर सकते हो और स्क्रीनशॉट और पूरा पता मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हो, ठीक है। तो शिव शंभू की चिट्ठी इसके रचनाकार कौन है? 15 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त हैं। कौन है? बाल मुकुंद गुप्त हैं। ये नंबर का आपका बाल मुकुंद गुप्त बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति थे? 16 नंबर, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, रिया वर्मा जी, शिवानी ठाकुर जी, 16 नंबर के क्वेश्चन में बताइए काशी नागरी प्रचारिणी सभा इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही ये भी आपको पता होनी चाहिए कि जो काशी नागरी प्रचारिणी सभा है इसके प्रथम सभापति कौन थे। और एक दोस्तों का नागरी प्रचारिणी पत्रिका भी निकली थी, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वो भी आपको पता होनी चाहिए कि वो कब निकली थी, ठीक है। तो यहाँ पर काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति आपसे पूछा गया 16 नंबर के क्वेश्चन में, तब आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, और सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। माया राम जी, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में पहली नंबर, वेरी गुड माया राम जी। तो बाबू राधा कृष्ण दास, ये आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका सही है। इनमें से कौन सा ब्राह्म चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? 17, कौन सा ब्राह्म चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, ये आपको बताना है। श्वेता जी, पीजीटी का इंटरव्यू है, मुझे किसी ने बोला कि नहीं है क्या? श्वेता जी का इंटरव्यू पीजीटी का, तो यहां पर बताना है कौन ब्राह्म चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया। श्वेता जी निकल जाएगा बिल्कुल भी, ठीक है। और
तो यहां पर 17 नंबर का कुछ अलग सा क्वेश्चन है और आपका उत्तर चला गया डी नंबर। डी यानी कि ये जो वाला, ये जो है ये दोस्तों पूर्ण विराम, ये नहीं लिया गया अंग्रेजी से, तो डी नंबर सही है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? अच्छा क्वेश्चन है। पार्श्विक है, उत्क्षिप्त है, प्रकंपित है या संघर्षहीन है, ये बताना है। 1893 में दोस्तों नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना हुई थी और 1896 में नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, संजय पाठक जी। 18 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है, 18 का उत्तर आपका क्या जा रहा है? प्रयत्न के आधार पर किस प्रकार की ध्वनि है ला, बताओ, बताइए। अर्पिता जी, ममता जी, नामवर सिंह जी, प्रश्न क्रमांक 18 का क्वेश्चन, और 18 में आपने बताया कि सर ये प्रयत्न के आधार पर जो ला ध्वनि है ये पार्श्विक है, और पार्श्विक बिल्कुल बताया। सतीश कुमार जी, ये नंबर सही हो जाएगा। पार्श्विक कौन सा शब्दालंकार नहीं है? शब्दालंकार और अर्थालंकार ये आपने पढ़े हैं, तो शब्दालंकार कौन सा नहीं है? शिलेश, विप्सा, उपमा या फिर वक्रोक्ति। वक्रोक्ति 24 मार्च को इंटरव्यू है, बहुत बढ़िया मायाराम जी। तो यहां पर कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, 19 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, और 19 में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, उत्तर चला गया कि सर उपमा। उपमा जो है ये शब्द अलंकार नहीं है, और उत्तर चला गया सी नंबर। सी नंबर सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये दोस्तों शब्द अलंकार नहीं है, तो उपमा आपका राइट आंसर है। रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की, 20 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, बताओ। रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की है? भट्टनायक ने, श्री शंकुक ने, भट्ट लोलट या फिर अभिनव गुप्त ने? 20 नंबर में, 20 नंबर में आपको चयन करना है दोस्तों। रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की है, और सीधा सीधा आंसर जा रहा है कि सर जो अभिव्यक्तिवाद की स्थापना की है वो आचार्य हैं अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त हैं, बहुत बढ़िया। अभिनव गुप्त आपने बिल्कुल सही बताया, डी नंबर आपका राइट आंसर है, डी नंबर सही है। अब दोस्तों यहां पर प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है, यहां पर बताइए सही अनुक्रम बताइए। सभी लोग बताएंगे और एक बार जल्दी से लाइक कर दो सभी साथी, जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो, जिनको भी अभी कोर्स में एडमिशन लेना है तो 1200 में 12 महीने का ऑफर चल रहा है दोस्तों। हिंदी साहित्य को ट्रिक से आप पढ़ सकते हो, 1200 में 12 महीने का ऑफर है, ठीक है। और जिनको भी नोट्स मंगवाना हो वो 2100 रुपए में नोट्स दोस्तों अपने घर तक मंगवा सकते हो हिंदी साहित्य के, ठीक है। तो यहां से जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आपका आना चाहिए। प्रश्न है आपका 21, यहां पर देख रहे हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको यहां पर चयन करना है 21 नंबर के क्वेश्चन में। और 21 में सबसे पहले दोस्तों आपका कौन सा आएगा? सबसे पहले तो ये श्राप का चार रचना आएगी, फिर भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदन वाला रास और रेवंत गिरी रास, यानी कि आपका जो डी नंबर है वो यहां पर डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर जिन्होंने आंसर सही बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आते हैं, अगले क्वेश्चन को पकड़ते हैं। सभी लोग बताएंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएं। यहां से तो आपको बनेगा ही क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी में लिखा गया था, हिंदी, फ्रेंच या फिर जर्मन में लिखा गया था? बताइए किस भाषा में लिखा गया था। रामबती जी, अमित अवस्थी जी, प्रश्न क्रमांक 1 में। 1200 में 12 महीने के लिए जिनको भी लेना है ऑफर, मात्र 20 मार्च तक है दोस्तों ये ऑफर आपके लिए 20 मार्च तक दिया गया है। आप इस ऑफर का लाभ कभी भी ले सकते हो। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में आके निरंतर क्लासें चलती हैं आपके लिए, लाइव क्लासें, रिकॉर्डेड क्लासें, हर टॉपिक वाइज टेस्ट भी होता है, हर संडे को भी टेस्ट होता है। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? तब आपका उत्तर है कि सर हिंदी भाषा का जो सर्वप्रथम इतिहास लिखा गया वो लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। इस्तवार द लेतुत्र एंदु हिंदुस्तानी, जो कि दोस्तों गार्सा दत्तासी जिसके रचनाकार थे, ठीक है। तो यहां पर आपका सी नंबर जो है सही है। पंडित सयल सत्य बखाणई देह ही बुद्ध बसंत न जाड़ई,
ये पंक्ति आपको याद करवाई थी मैंने आपसे, गलत नहीं करना, ये पंक्ति किसकी है? प्रश्न क्रमांक दो नंबर में बताओ ये किसकी पंक्ति मानी जाती है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, ये जल्दी से आपको बताना है, बताएं। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, पंडित सयल सत्य बखाणई देहई बुद्ध बसंत न जाणई, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सभी साथी एक बार जल्दी से लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें दो नंबर के क्वेश्चन में। और दो नंबर के क्वेश्चन में जो ये पंक्ति पूछी गई, ये पंक्ति है सरहपा जी की, पंडित सयल सत्य बखाणई, सरहपा जी की पंक्ति, ये नंबर सही है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, आचार्य शुक्ल का यह कथन निम्न में से किस कवि के संबंध में है? तीन नंबर का क्वेश्चन, किस कवि के संबंध में? बिहारी के विद्यापति, भिखारीदास या प्रमतिराम, किसके संबंध में ये कथन आचार्य शुक्ल ने कहा है? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है, लेकिन ये किस कवि के बारे में कहा है ये आपको पता होनी चाहिए। बताइए मेनका जी, प्रश्न क्रमांक तीन नंबर में आपको चयन करना है, और तीन नंबर का क्वेश्चन है कि सर ये कहा है किसके, किसके कहा है? रावंत जी, ये कहा है विद्यापति के बारे में, विद्यापति के बारे में कहा है। विद्यापति अपन को पता है आदिकालीन कवि माने जाते हैं, इनकी रचनाएं कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली इनकी रचनाएं हैं, पदावली इनकी मैथिली भाषा में रचनाएं हैं, ठीक है। मनोज कुमार जी, विद्यापति आपका सही है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? मैथिली हिंदी में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है। स्नेहलता शर्मा जी, प्रदीप जी, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? चार नंबर के क्वेश्चन में एक बढ़िया सा प्रश्न आपसे पूछा गया है, और वो रचना कौन सी है? मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है ये आपको बताना है, ये आपको चयन करना है, तो बताइए और चयन करिए। आपका सही उत्तर क्या है? मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है ये चयन करिए। चार नंबर का क्वेश्चन, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक मानी जाती है कौन सी? वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर है, और वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ज्योतिषोर ठाकुर। कौन है दोस्तों? ज्योतिषोर ठाकुर। क्वेश्चन आता है ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है, तो उत्तर होता है ज्योतिषोर ठाकुर। बी नंबर आपका सही है। राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? पांच नंबर का क्वेश्चन, कीर्ति पता का, आलाखंड, रणमल्ल छंद या फिर बीसल देव रासो। राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है ये पांच नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, और आपका यहां पर सही उत्तर क्या रहा है? पांच नंबर का क्वेश्चन जल्दी से सभी लोग बताएंगे। उत्तर यहां पर हो रहा है कि सर कि जो राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है, तो वो है कौन सी रचना? बीसल देव रासो। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाल है, ठीक है। नरपति नाल की रचना है, अजमेर के शासक से संबंधित रचना है, जिसकी नायिका कौन है? राजमती। यानी कि यहां पर आपका उत्तर चला गया सी नंबर। सास्वती डायरी के लेखक कौन है दोस्तों? सास्वती डायरी, डायरी आपने पढ़ी है दोस्तों, डायरी गद्य की अन्य विधाओं में आपने पढ़ा होगा। सास्वती डायरी के लेखक कौन है? दिनकर है, बच्चन है, रघुवीर शाह या फिर अज्ञेय है। तो साथियों जिनको भी ये नोट्स मंगवाना है, ये नोट्स आप मंगवा सकते हो अपने घर में, ठीक है। हिंदी साहित्य के दो पार्टों में ये नोट्स बनाए गए दोस्तों, एक पार्ट में आपका पूरा पद्य साहित्य और एक पार्ट में पूरा गद्य साहित्य, ठीक है। तो ये पार्ट जिनको भी मंगवाना है, ये नोट्स ट्रिकी नोट्स दोस्तों, जहां पर आपको बहुत सारी ट्रिकी ही ट्रिक बनाई गई है, तो जिनको भी मंगवाना हो अपने घर पर मंगवा सकते हैं, ये नोट्स देख सकते हैं बाई पोस्ट, ठीक है। आप संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। यहां पर आपसे पूछा गया है कि सास्वती डायरी के रचनाकार कौन है छह नंबर का, तब आपका उत्तर है कि सर अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय जी हैं। डी नंबर में, काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है दोस्तों, यानी कि मीराबाई की रचना कौन सी नहीं है? सीधी अर्थों में अगर बात कहें तो सात नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, गीत गोविंद की टीका, प्रेम तत्व निरूपण राग गोविंद या फिर नरसिंह जी का मायरा। सात नंबर के क्वेश्चन में और उत्तर जा रहा है कि सर काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई, यानी कि मीराबाई जी की रचना कौन सी नहीं है? तो ये गीत गोविंद की टीका तो है, राग गोविंद भी है, नरसिंह जी का मायरा भी है, ये प्रेम तत्व निरूपण नहीं है। यानी कि आपका उत्तर बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने दोस्तों पूछा गया था, और आपने बिल्कुल सही करेक्ट आंसर बताया है।
अगला आपका है रीति काल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है, तो किसने मिलाया है बताइए। प्रश्न क्रमांक 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 में आप बता सकते हो 8 का उत्तर क्या है। रीति काल के किस कवि बताइए बताइए नबिका सरोज जी, रीति काल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है, 8 नंबर के क्वेश्चन में वो कवि कौन है ये बताइए जल्दी से। प्रश्न क्रमांक 8 और आपका बिल्कुल सही है कि सर वो रीति काल के वो कवि कौन है, वो कवि है कौन, पद्माकर जी। पद्माकर जिन्होंने कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ साथ दोस्तों जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है, तब आपका उत्तर डी नंबर यानी पद्माकर आपका सही है। कौन सी रचना देव की नहीं है, कौन सी रचना देव की नहीं है, कभी कुल कल्पतरु, भाव विलास, भवानी विलास या फिर अष्टयाम, यानी कि 9 नंबर का क्वेश्चन है और 9 में आपका सही उत्तर क्या हो रहा है, कौन सी रचना देव की नहीं है, देव कवि की रचना कौन सी नहीं है, उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका कि सर वो रचना नहीं है, कौन सी रचना नहीं है, देव की भाव विलास तो है, अष्टयाम भी है, भवानी विलास भी है, कौन सी नहीं है, कवि कुल कल्पतरु नहीं है, यानी कि आपका उत्तर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नंबर कवि कुल कल्पतरु, तो ये रचना किसकी है फिर ये बताइए, 9 नंबर का क्वेश्चन बताएं। तो अपन ने पढ़ा था कि सर कवि को कुल की चिंता है, कवि को कुल की, तो कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है, यानी कि आपका ये नंबर सही है। सूर समाना चंद में दहू किया घर एक, ये पंक्ति किसकी है। 10 का क्वेश्चन बताना है आपको, रमा शर्मा जी, सुरेंद्र नाथ जी, मन्नत जी, रीता जी, सूर्य समाना चंद में दहू किया घर एक, ये काव्य पंक्ति किसकी मानी जाती है। 10 नंबर के क्वेश्चन में कबीरदास की है क्या, 10 नंबर में, और बोली सर सूर्य समाना चंद में दहू किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। तो ये पंक्तियां सर, ये जो पंक्तियां हैं ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। बी नंबर, कबीरदास का जन्म कब हुआ था बताइए जल्दी से। रास पंचाध्याय किस छंद में लिखी गई, रास पंचाध्याय आपने पढ़ा होगा कि सर एक नंददास की रचना है रास पंचाध्याय, बताइए। तो रास पंचाध्याय किस छंद में लिखी गई, रोला में, दोहा में, सोरठा या फिर चौपाई में। रास पंचाध्याय किस छंद में लिखी गई, 11 नंबर के क्वेश्चन में, और वो लिखी गई दोस्तों रोला छंद में। कौन से छंद में लिखी गई रास पंचाध्याय, आपने पढ़ी होगी कि रास पंचाध्याय नंददास की रचना है, और इसी रास पंचाध्याय रचना की प्रसिद्धि के आधार पर दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नंददास को क्या कहा था, जड़िया कवि, और कवि गड़िया और नंददास जड़िया, ये कहा था ना रामचंद्र शुक्ल ने, वो क्यों कहा था, इसी रास पंचाध्याय रचना की प्रसिद्धि के कारण कहा था। तो ये रोला छंद में लिखी गई रचना है और बहुत ही प्रसिद्ध रचना मानी जाती है नंददास की। कौन राधा बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं बताओ, 12 नंबर के क्वेश्चन में राधा बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, बल्लभाचार्य, हेत हरिवंश, गोविंद स्वामी या फिर छीत स्वामी, ये बताइए। प्रश्न क्रमांक 12 नंबर का क्वेश्चन बताना है सुनील कुमार जी, उदय यादव जी, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। सभी साथी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन को भी दबा दें, ठीक है, अपने मित्रों तक शेयर करते रहें, इन क्लासों से जुड़े रहें, और जिन भी साथियों को पेड क्लास में एडमिशन लेना है आप सेल्फ स्टडी क्लासेस में ऐप डाउनलोड कर लें, 1200 में 12 महीने का ऑफर चल रहा है बढ़िया तरीके से ऑफर, और जिनको भी नोट्स मंगवाना है आप 2100 रुपए पे करना है आपको 9098609291 वाले नंबर पर, और स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप पर और पता भेजना है बाय पोस्ट, आपके दोस्तों ये जो नोट्स हैं आपके घर तक पहुंचेंगे। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है 12 नंबर के क्वेश्चन में, उत्तर हो जाएगा हेत हरिवंश, यानी कि बी नंबर आपका हेत हरिवंश बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था, ये कथन किसका है 13 नंबर में, कथन किसका, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, लाला भगवान दीन का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था, ये कथन किसका है, ये कथन आपको बताना है।
बताइए नामवर सिंह जी, विशाख जी बताएं। और 13 नंबर में बहुत ही अच्छा ये कथन दोस्तों पूछा गया है 13 नंबर के क्वेश्चन में, और सीधा आंसर आपका, आप लोग बहुत अच्छा आंसर बता रहे हैं कि सर ये जो कथन है ये शुक्ल जी का कथन है। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, यानी सी नंबर सही है। हमन है इसके मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या, ये पंक्तियां किसकी हैं, ये पंक्तियां पूछी गई हैं आपसे, तो बताएं ये पंक्तियां किसकी मानी जाती हैं। जल्दी से चयन कीजिए, और रोज एक क्लास रात्रि 9 बजे होती है दोस्तों लाइव क्लास, बाकी की बहुत सारी जो लाइव क्लासें हैं, ठीक है, बहुत सारी जो लाइव क्लासें हैं दोस्तों वो पैड मेंबर पैड क्लास में होती हैं, 2 लाइव क्लासें शाम को 5 से 5:40, 6:30 से 7:10, और पैड क्लास में रिकॉर्डेड क्लासें भी रहती हैं सारी। हमन है इसके मस्ताना, हमन को हो से यारी क्या, रहे आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या, ये 14 नंबर के क्वेश्चन में ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति है दोस्तों कबीरदास की, ये पंक्ति किसकी है, कबीरदास की है। 14 नंबर के क्वेश्चन में हमन है ये कबीरदास ने कहा था, डी नंबर की पंक्ति में, डी नंबर आपने जो लगा दिया रश्मि पाठक जी वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि हिंदू पर मग पर पांव ना राख्यो का बहुते जो हिंदू भाक्यो, ये पंक्तियां किस बोली में है, ये किस बोली में है, और ये पंक्तियां हैं किसकी, ये भी आपको बताना है, ये पंक्तियां किसकी हैं, ये पंक्तियां किसकी हैं और ये किस बोली में है, तो ये तो आपको पता ही चल जाएगा, कवि का नाम याद आ जाएगा तो भाषा अपने आप निकल के आ जाएगी। 15 नंबर का क्वेश्चन, बताइए ये पंक्ति किसकी है, तो आपको पता है कि सर हिंदू मग पर पांव ना राखे का बहुते जो हिंदू भाके, तो आपने पढ़ा कि सर ये जो पंक्तियां हैं ये पंक्तियां हैं नूर मोहम्मद की, और नूर मोहम्मद जो है दोस्तों इन्होंने सूफी काव्य लिखे हैं, और सूफी काव्य लिखे हैं तो सूफी काव्य की जो भाषा मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, अबधी मानी जाती है, अबधी मानी जाती है, तो ये पंक्तियां किस भाषा की होंगी, अबधी भाषा की होंगी, ठीक है। तो अबधी में आपको सी नंबर जो आपने लगाया अबधी वो बिल्कुल सही है। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर नाचता हूं, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, एक तनी हुई रस्सी है जिस पर नाचता हूं, अज्ञे की है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, त्रिलोचन या फिर केदारनाथ अग्रवाल। 16 नंबर का क्वेश्चन बताना है ममता जी, बताइए सौरभ कुमार जी, कमलाकांत जी, अरुण जी, गंगवार, प्रश्न क्रमांक 16 नंबर में एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूं, ये पंक्तियां बताना है, ये पंक्तियां किसकी हैं, बताइए। किशोरी लाल जी बताइए यहां पर 16 नंबर के क्वेश्चन में, और यहां पर उत्तर हो जाएगा कि सर ये जो है ये अज्ञे, अज्ञे याद कर लेना, ठीक है। तो एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूं, इस पंक्ति के रचनाकार अज्ञे हैं, है ना, हीरानंद, सच्चिदानंद, हीरानंद वासायन अज्ञे, तो ये नंबर सही। योग धारा के रचनाकार कौन है, मैंने आपको कई बार बताया और रचना पूछी जाती है, एक रचना है योग धार और एक रचना है योग धारा, रावंत जी, ठीक है। तो यहां पर आपको चयन करना है युग धारा और युग धार। युग धार तो आपको पता है कि सोहनलाल द्विवेदी की रचना युग धार है, और युग धारा के रचनाकार कौन है ये भी आपको पता होनी चाहिए, और कई बार आपने पढ़ा है कि सर नागार्जुन का वास्तविक नाम था बैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन का जन्म कब हुआ तो 1911 में नागार्जुन, ठीक है, और इन्होंने कहा था कि आओ रानी हम ढाएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की, कि नागार्जुन को याद रख लेना, जिन्हें आधुनिक काल का कबीर कहा जाता है, इनकी एक युग धारा रचना है युग धारा, तो आपका उत्तर सी की ओर चला गया। शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है, ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है, 18 नंबर ये पंक्तियां किसकी हैं, ये पंक्तियां आपसे पूछी गई मन्नत जी, ये पंक्तियां बहुत ही बढ़िया पंक्ति पूछी गई हैं, ये बताएं क्या हो जाएगा सही आंसर, बताइए। उदय यादव जी, विमलेश कुमार जी, सतीश कुमार जी, निशा वर्मा जी, प्रश्न क्रमांक 18 नंबर का क्वेश्चन है, और 18 में आपने बताया कि सर ये जो पंक्तियां हैं कि शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है, ये सचिदानंद, हीरानंद, वात्सायन,
अज्ञे जी की पंक्ति है, यानी कि आपका उत्तर बात साइन अज्ञे में बी नंबर सही है। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नांगरी उपर्युक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? 19 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नांगरी ये पंक्तियां किसकी हैं? प्रेम पथिक ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं? जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह से ली गई हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बताइए प्रमिला जी, बताइए शिवानी ठाकुर जी, वीरेंद्र जी, गीता खलेल जी, 19 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है। साथियों जिन भी साथियों को एडमिशन लेना 20 तारीख तक ऑफर है, 20 मार्च तक 1200 में 12 महीने का ये ऑफर चल रहा है, 1200 में 12 महीने का। तो यहाँ पर बीती विभावरी जागरी आपसे पूछा गया 19 नंबर के क्वेश्चन में, और आपका उत्तर चला गया कि सर जो ये बीती विभावरी जागरी ये पंक्तियां पूछी गई हैं, ये पंक्तियां पूछी गई लहर से, लहर काव्य संग्रह से, यानी कि आपका डी नंबर सही है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जिन्होंने डी बताया है उनका आंसर सही है, ठीक है। और जिन भी साथियों को दोस्तों एक कोर्स परचेस करना है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं ये कोर्स, जिन भी साथियों को परचेस करना है ये दो पार्ट में है, एक पार्ट में पूरा पद्य साहित्य, दूसरे में पूरा गद्य साहित्य, यानी कि एक में दोस्तों आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, छायावाद ये सारी सारे हैं, एक में आपके नाटक, निबंध और दोस्तों आपकी कहानी, ठीक है, गद्य की अन्य विधाएं, आत्मकथा, संस्मरण, पत्र पत्रिकाएं, एक में वो है। तो ये दो पार्ट है और दोनों पार्ट के जो है दोस्तों आप 2100 रुपए में आप इनको पे करके इनको अपने घर में मंगवा सकते हैं वाई पोस्ट के माध्यम से, ठीक है। अब पे कैसे करना है तो नीचे नंबर चल रहा है दोस्तों एक 9098609229 बन वाला, इस पर फोन पे कर सकते हो और दोस्तों सीधा आप इसको परचेस कर सकते हो, मतलब फोन पे कर सकते हो, और उसके बाद स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप पर देना उसी नंबर पर, और अपना पूरा पता उस पर देना है व्हाट्सएप पर, ठीक है, पिन नंबर, अपना एरिया जो पोस्ट आते हैं वो वाला, ठीक है। और जिनको दोस्तों आपको एडमिशन लेना है लाइव क्लासों के माध्यम से पढ़ना है तो आप ऐप डाउनलोड कर लो सेल्फ स्टडी क्लासेस, जिसमें आप 1200 में 12 महीने दोस्तों निरंतर अध्ययन कर सकते हो और पढ़ सकते हो, लाइव क्लासों को अटेंड कर सकते हो। अर्पिता जी, ज्योति जी, नीता जी, गीता जी, सृजन जी, लवली जी, ठीक है, प्रमिला जी, वीरेंद्र, दारसु जी, राहुल राज जी, मधु जी, ठीक है, रेखा जी, अरुण जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सिया अग्रवाल जी, रागनी जी, अनुराग जी, अर्चना लोधी जी, रीता कांत जी, सभी साथियों को धन्यवाद, और पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें दोस्तों, इसी प्रकार से लगे रहें।